हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है महानदी रिवर को लेके, तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने महानदी रिवर को ग्रीन महानदी रिवर मिशन के तहत डेवलप करने का प्लान है वो किया है। ये बेसिकली कंटेक्स्ट है, मतलब ग्रीन महानदी मिशन चलाया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जिसका मेन मोटो ये है कि भाई जो महानदी रिवर है उसकी हालत है वो सुधारी जा सके। जिस तरीके से हमारे देश में गंगा की हालत ख़राब हो रखी है, उसी तरीके से महानदी रिवर को डेवलप करने के लिए, महानदी रिवर को रिकवर करने के लिए, ताकि उसकी हालत है वो ठीक की जा सके, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप हैं वो लिए गए। तो थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह इसके महानदी रिवर के बारे में। देखो, एक तो मेन रीज़न क्या है, पहले ये देखते हैं कि भाई वहाँ पे डेवलप वगैरह क्या करना है, क्या इश्यूज हैं। जो महानदी रिवर है ना, इसके आसपास वाले एरिया में क्या कि मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये नदियाँ ज़्यादा कटफट रही है और इसका पानी का बहाव है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो एक तो सोइल इरोजन है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो भी महानदी रिवर है इसके आसपास के एरिया में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ताकि पेड़ पौधे रहेंगे तो जो मिट्टी का इरोजन है, मिट्टी का जो कटाव है वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, जिससे जो फ्रूट वाली फसलें हैं वो बोई जाएंगी। अब अगर पास वाले एरिया, जैसे कि ये रिवर है, ये आप रिवर देख सकते हो, इसके अगर पास वाले एरियो में अगर हॉर्टिकल्चर या फ्रूट वाली फसलें बोई जा रही हैं, तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट क्या होगा कि उनको पानी की जरूरत है वो भी रिवर से कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्रमोट होगा, जिससे इसके आसपास वाले एरिया में किसान वगैरह रहते हैं उनको इनकम है वो भी उनकी सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में इनकम वगैरह थोड़ी ठीक ठाक है वो मिल जाती है। तो थोड़ा बेसिकली जान लेते हैं महानदी रिवर के बारे में कि कहाँ से ओरिजिन वगैरह होती है। देखो, जो महानदी रिवर है ना, वो बेसिकली दो स्टेट की लाइफ लाइन है। कौन कौन से? एक तो है छत्तीसगढ़ और एक है यहाँ पे हमारा उड़ीसा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मैक्सिमम हिल्स टोटल इसकी लेंथ है वो है लगभग 851 किलोमीटर इसकी लेंथ है इस रिवर की, जिसका मैक्सिमम हिस्सा है वो उड़ीसा में बहता है और कुछ हिस्सा है वो बहता है छत्तीसगढ़ में। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 500 किलोमीटर का एरिया है वो है उड़ीसा में, और बाकी जो बचा हुआ 350 किलोमीटर का एरिया है वो है छत्तीसगढ़ में। ये इसके बारे में बेसिकली। अब हम इसके बारे में दो चार पॉइंट्स और जान लेते हैं कि जो पेनिनसुला रिवर है उसके अंदर सेकेंड नंबर पे आती है वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, क्योंकि जो पेनिनसुला या जो प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी है वो आता है गोदावरी रिवर में, गोदावरी रिवर के बाद में। चलो, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है। काफ़ी बार हमने डिस्कस किया गोदावरी रिवर है वो कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी रिवर के बाद जो सेकंड जो रिवर है जिसमें पानी ठीक ठाक अच्छा खासा रहता है, पेनिनसुला रिवर, वो यहाँ पे बात करें तो वो आता है महानदी रिवर का। अब महानदी रिवर है उसको बेसिकली आपको बता दूं कि सोरो ऑफ उड़ीसा के नाम से भी जानते थे, क्योंकि जब इसमें हीराकुंड डैम बनाया गया था उससे पहले यह उड़ीसा के अंदर काफ़ी एक तरीके से फ्लड वगैरह लेके आती थी, तो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी समस्या क्रिएट वो हो जाती थी। तो ये कुछ हमें बेसिक फीचर्स इसके बारे में, कीवर्ड्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि कई बार UPSC इनके बारे में पूछ लेती है। ऑब्वियसली अगर आपको पूछे कि ये अपना पानी कहाँ गिराती है, तो वो ब्योह बंगाल में, इसमें कोई भी डाउट है वो नहीं है। अब बात करें कि निकलती कहाँ से है, इसका जो ओरिजिन कहाँ पे है, वो यहाँ पे बात करें तो वह सितुआ माउंटेन में, जो कि मेनली आता है धमात्री डिस्ट्रिक्ट में आता है छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ के ये वाला छत्तीसगढ़ का एरिया है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के एरिया में यहाँ पे सितुआ माउंटेन है, सिवा माउंटेन, और उस माउंटेन से बेसिकली ओरिजिन है वो निकलती है और ब्योह बंगाल में जाके गिरती है। ये इसके मैंने हमने यहाँ पे जो लोकेशन है वो देख ली, ये आप देख सकते हो यहाँ पे उड़ीसा रिवर, सॉरी महानदी रिवर है उसकी लोकेशन, यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया पूरा और यहाँ पे हो गया उड़ीसा। तो ये कुछ वाला हिस्सा है इसका, ये तो आप देख सकते हो यहाँ से ओरिजिन होते हुए ऐसे ऐसे फ्लो करती हुई आके यहाँ पे गिरती है और फिर ये अपना यहाँ डेल्टा बनाती है। अब देखो, जो महानदी रिवर का डेल्टा है ना, यहाँ पे भी दो चार चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि महानदी रिवर का जो डेल्टा आप इस वाले एरिया में थोड़ा देख सकते हो अच्छे से जूम किया हुआ, एक तो यहाँ पे ओलिव रेडली टर्टल जो है वो आते हैं, तो इसलिए बहुत न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे हैं। इसके बाद में बात करें, यहाँ पे गहीरमथा बीच है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ओलिव रेडली टर्टल के लिए। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मास्ट नेस्टिंग बीच है, मतलब यहाँ पे कछुए हैं इस वाले पूरे ही बेल्ट में, अगर आप देखोगे ये जो डेल्टा वाला एरिया महानदी रिवर का, इस वाले पूरे एरिया में कछुए हैं वो यहाँ पे आते हैं अंडे के देके और फिर आगे जाते हैं, ये उनकी प्रोसीजर यहाँ पे होती है, तो इसलिए ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे जो और भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे रुसिकला रिवर भी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उस वाले एरिया में भी यहाँ पे मास्ट नेस्टिंग बीच वगैरह बने हुए हैं, तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि रुसिकला रिवर के बारे में UPSC की बार पूछ लेती है, क्योंकि न्यूज़ में है तो इसीलिए। तो ये जो बेसिक रिवर थी वो हमने यहाँ पे देखा महानदी रिवर के बारे में, जो कि UPSC हमें पूछ सकती है, इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह हमने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आई है वह है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में, जिसके बारे में कल हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, तो एक बार हम फिर अच्छे से रिवाइज है वो कर लेते हैं। देखो, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है वो एक्चुअली हमारे देश में जो बैंकों का एनपी और का है उससे सोल्व करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए, मतलब एनपी की जो समस्या है उसे निपटने के लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है वो एक प्रोसीजर है, वो लेके आ गई है। अब क्या हुआ था, हमारे देश में बैंक है ना, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा हो रखा था। उनके पास जितनी भी अमाउंट है उसका 10% पैसा तो उनके पास एनपीए में डूबा हुआ पड़ा था। अब इसीलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लिया था जिसका नाम है सशक्त। प्रोजेक्ट सशक्त है, इसका मेन मोटिव ये था कि बैंकों की जो हालत है वो सुधारनी है। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए प्रोजेक्ट सशक्त के बारे में, ये किस लिए है, और इसी फ्रेमवर्क के तहत इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है वो लाया गया था ताकि बैंकों की हालत को सुधारा जा सके। बेसिकली सुनील मेहता कमेटी आई थी, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई जो बैंकों के पास जो बैड लोन पड़ा है या फिर जो स्टेट एसेट पड़ा है उसको रिजोल्व करना है तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट है वो लाना होगा। इसमें होगा क्या, इसमें देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये मान लो कि विजय माल्या है, उसने 5 बैंकों से लोन लिया, 1, 2, 3, 4, ये 5 बैंक इनसे विजय माल्या ने लोन लिया है। अब हो क्या रहा है, जो ही विजय माल्या की जो प्रॉपर्टी वगैरह उसको बेचा जा रहा है वापस, वो पैसा एनपी हो गया, तो अब ये प्रॉपर्टी बेचेगी, आपस में बेची जा रही है, तो हो सकता है कि इससे जितना पैसा मिल रहा है वो सारे को मतलब इक्वल डिवाइड करना है, जैसे डिवाइड करना है उसका इश्यू बहुत बड़ा रहता है कि भाई ये एक बैंक कहेगा नहीं कि नहीं भाई पहले पूरा पैसा मेरे को दो, दूसरा कहेगा नहीं भाई मेरी बड़ी अमाउंट है तो मेरे को पैसा दो। तो होगा क्या, कौन सा पैसा किसको दिया जाएगा, इसके लिए बेटर ये कि जो पाँचों ये है ना, ये पांचों बैंक ये आपस में मिलकर एक तरीके से एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और ये पांचों क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई जो पैसा है या तो हमने जैसे जैसे उनको लोन दिया था उसके आधार पर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि ये मान लो इन पांचों लोगों ने विजय माल्या को 100 रुपये का लोन दिया था और वो विजय माल्या फिर वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया वो सारा पैसा या लोन, तो अब जो उसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं विजय माल्या की उससे मान लो कि 50 रुपये रिकवर हो रहे हैं, तो अब क्या होगा कि भाई 50 रुपये हैं वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो जिसका जितना हिस्सा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 50 का हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे किसी का 10% है तो उसके अकॉर्डिंग उसको 10 रुपये मिल जाएंगे, किसी का 20% है तो उसको 15 रुपये, इस तरह जो भी डिवाइडेशन है वो यहाँ पे अरेंज है वो हो जाएगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ है वो किया जाना है। तो मतलब इसमें होगा क्या, जो ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है इसमें क्या होगा कि जो बैंक है ना वो आपस में एक रिजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, आपस बैंक है वो अपना एक लीड रोल लेंगे और आपस में एक प्लान बनाएंगे कि देखो भाई ऐसे ऐसे हमें काम करना है। और फिर होगा क्या, जितने भी बैंक है उसका अगर 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी, जैसे मान लो 5 बैंक हैं, 2/3 का मतलब ये मान लो कि यहाँ पे 4 बैंक हैं, इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे रिजोल्यूशन करना है, तो वही बाइंडिंग होगा, मतलब बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी बैंक की यहाँ पे मनमर्जी चलने वाली है, बहुमत के आधार पे निर्णय किया जाएगा कि भाई जो लोन है उसको कैसे रिकवर करना है, मतलब आपस में मिल बांट की सेटलमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। इसके लिए बेसिकली इसको यहाँ पे लैग है, इसके लिए लिमिट ये रखी गई है कि जो पैसा 50 करोड़ से ज़्यादा होगा वो 2000 करोड़ से कम होगा ना उसी के ऊपर ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है वो अप्लाई होगा, बाकी के लिए फिर अदर की प्रोसीजर है वो यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। ये इसलिए बेसिकली आपकी प्रक्रिया है। इसके साथ ही इसमें पब्लिक प्राइवेट और जो फॉरेन बैंक है वो भी अप्लाई होंगे, इसके साथ ही LIC हो गई और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो कंपनीज हो गए वो भी इसमें इंक्लूड यहाँ पे की गई हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। बेसिकली इसका मेन मोटो यही है कि भाई जो भी रिकवरी में पैसा मिल रहा है ना उसको कैसे कैसे सेटल किया जाए, क्योंकि पूरा पैसा तो रिकवर हो नहीं रहा है, तो बेटर यही है कि सारे बैंक हैं वो आपस में बैठ के 2/3 मेजोरिटी बोल लो या फिर 66% है वो आपस में मेजोरिटी लेके डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इसको पैसे का हमें यूज़ है वो करना है, ये इतना पैसा इस बैंक को मिलेगा इतना इसको मिलेगा, ये बेसिकली इसमें रखा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है ग्रिंका प्रोग्राम को लेके, तो देख लेते हैं क्या है ग्रिंका प्रोग्राम। देखो अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक्चुअली युगांडा और रवांडा की विजिट पे गए थे, तो रवांडा की विजिट पे गए थे तो वहाँ पे एक्चुअली ये प्रोग्राम चलाया गया था ग्रिंका, ये ग्रिंका प्रोजेक्ट, तो ये हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंटेक्स्ट ये है कि जो रवांडा में प्रोग्राम चलाया गया था ग्रिंका प्रोजेक्ट, इसमें इंडिया के प्रधानमंत्री ने वहाँ पे गाय हैं वो डोनेट किए हैं, तो एक्चुअली ये वहाँ का लोकल प्रोग्राम है ग्रिंका प्रोग्राम रवांडा का, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या। इसमें देखो ये है कि रवांडा में एक जगह है जिसका नाम है रिवोरी गाँव, इस गाँव में क्या हुआ था एक्चुअली काफ़ी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, काफ़ी भूख मरी और गरीबी थी, तो इसीलिए वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था कि लोगों को गाय हैं वो दान में दी जाती थी ताकि वो लोग है वो माल न्यूट्रिशन से निपट सकें, इसके साथ गरीबी है उससे भी निपट सकें, क्यों, क्योंकि उनको पशु भी मिल जाएगा तो व्यक्ति से उनके पास कैपिटल है वो भी हो जाएगी पशु की, और इसके साथ वो एग्रीकल्चर को भी फोकस है वो कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली वहाँ पे एक प्रोग्राम है वो चलाया गया था, तो अभी उसको वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी विजिट पर गए, तो उन्होंने वहाँ पे 200 गाय हैं वो डोनेट किए, इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक तो ये ग्रिंका प्रोजेक्ट था जो हमने देख लिया कि कहाँ का है, रवांडा का प्रोजेक्ट है, बस है क्या इसमें वो भी हमने देख लिया।
इसके साथ ही अहम हो जाता है यहाँ की लोकेशन। तो लोकेशन हम देख लेते हैं रवांडा और युगांडा दोनों की, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो विजिट पे गए थे। ये है बेसिकली, आप यहाँ पे मैप देख सकते हो अफ्रीका का। अब हम चलते हैं अफ्रीका के अंदर। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे युगांडा है और यहाँ पे आ गया रवांडा। युगांडा और रवांडा दोनों क्या हैं, लैंडलॉक कंट्री हैं। आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखना है, तो दोनों छोटी छोटी कंट्री हैं, युगांडा है और रवांडा। ये हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, देखो जो युगांडा ये वाली कंट्री है ना, इससे इक्वेटर पास होता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो इक्वेटर है वो एक्चुअली यहाँ से पास होता है, इस वाले एरिया से, ऐसे से यहाँ पे। तो युगांडा से इक्वेटर है वो पास होती है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी यहाँ पे बन जाता है। दोनों लैंडलॉक्ड हैं। यहाँ पे रवांडा की आप लोकेशन है वो देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेक भी हैं दोनों एरिया में, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। एक तो बात करते हैं हम लेक विक्टोरिया की, तो ये तो होगी हमारी लेक विक्टोरिया, तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि लेक विक्टोरिया है कहाँ पे। देख सकते हो काफ़ी फेमस है लेक विक्टोरिया, जहाँ से नील नदी है उसका ओरिजिन है बेसिकली होता है। इसके बाद में एक है लेक अल्बर्ट, ये यहाँ पे लेक अल्बर्ट है वो इस वाले एरिया में। तो ये आपको ध्यान रखना कि रवांडा के अंदर है वो लेक अल्बर्ट है और युगांडा के अंदर लेक विक्टोरिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकती है, तो इसके बारे में देखो पता होना चाहिए, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री की यहाँ पे विजिट हुई है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे युगांडा वाले में हिस्से में आती है कुछ हिस्सा इसका लेक विक्टोरिया का, फिर यहाँ से नील नदी का ओरिजिन है वो होता है, और ये यहाँ पे रवांडा है और ये यहाँ पे आप देखते हो ये है लेक अल्बर्ट। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड, नाम तो इसका भी यहाँ पे से शो नहीं कर रहा है जूमिंग में भी। ये रहा आप देख सकते हो ये यहाँ पे है, इसकी बेसिकली लोकेशन हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। आगे जो हमारी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मॉब लिंचिंग को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि मॉब लिंचिंग को लेके भी देखो आज के टाइम पे काफ़ी अफवाह वगैरह फैल रही हैं, और इसीलिए एक नई कमेटी है वो बनाई गई है, तो उस कमेटी के बारे में हमारा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो यूनियन होम सेक्रेटरी है हमारे राजीव गौबा, उनकी एक्चुअली अध्यक्षता में मॉब लिंचिंग को लेकर कमेटी है वो बनाई गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। राजीव गौबा की जो मतलब उनके सिलेक्शन में जो कमेटी बनाई गई है उसका नाम हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉब लिंचिंग को लेकर राजीव गौबा हैं उनके सिलेक्शन में कमेटी बनी है। इसके बाद में बात करें लॉ एंड ऑर्डर है और जो पुलिस का काम है वो आता है, आपको पता है कि स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको स्ट्रॉन्ग एक्शन है वो लेने होंगे, क्योंकि देखो लोकल एरिया का जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट के पास ही होता है, तो स्टेट जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा, जैसे एक्शन लेगा, उसी तरीके से भी तो काम होने वाला है ना, इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद में बात आती है अर्थ और सूट डे की। देखो अर्थ और सूट डे है वो एक हर साल है वो एक्चुअली 1 अगस्त को मनाया जाता है, तो इस बार बात ये की जा रही कि अर्थ और सूट डे है वो 2 दिन पहले हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है अर्थ और सूट डे, तब हम अच्छे से समझ में आएगा। देखो अर्थ है उसको आपको पता है कि उसकी रीजनरेट करने की भी कैपेसिटी होती है, जैसे कि आज हमने उसकी सोयल या कोई भी उसके रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो उसका रीजनरेट होना उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा, ऐसा तो है नहीं कि आज हमने अर्थ के कोई भी जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज कर लिया और कल वापस वो भर जाएंगी, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो उसका साइकिल होता है कि आज अगर हमने कोई भी रिसोर्सेज यूज किए हैं अर्थ के तो कुछ टाइम बाद वो वापस रिसाइकिल या कुछ टाइम बाद वो वापस पूरे हैं वो रिकवर है वो हो जाएंगे। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रिकवर होने में टाइम लगता है, बट आपको पता है कि ह्यूमन एक तरीके से जो बोझ है अर्थ के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनको बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, मतलब अर्थ की जो रीजनरेट करने की जो कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा हम अर्थ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। बेसिकली सीधा इसका मतलब आपको यहाँ पे बता दूँ, मतलब नेचर के ऊपर जो इंसान की जो ईयरली डिमांड है ना वो एक्चुअली जो अर्थ के द्वारा रिसाइकिल किए जाने की जो प्रोसीजर ना उससे कई गुना ज़्यादा है। जैसे कि अर्थ, ये मान लो कि अर्थ है वो हर साल में 1 किलो अनाज प्रोड्यूस कर सकती है, बट हम क्या कर रहे हैं उससे 1.7 गुना प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हम उसके ज़्यादा एक तरीके से उसको एक्सप्लोइट कर रहे हैं। इससे नुकसान क्या होने वाला है, इससे नुकसान ये होने वाला है कि जो अर्थ के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उसको भी हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं, मतलब उनको भी हम बाहर निकाल रहे हैं। इसका एक बड़ा नुकसान ये होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। देखो अगर आज हमने कोई कोयला यूज़ किया कुछ भी किया, अगर हाँ ओब्वियसली कोयला बना कैसे वो भी हमें पता है कि काफ़ी पुराने टाइम पहले जो पेड़ पौधे वगैरह थे वो भूमि के अंदर दब गए थे, तो उस दौरान ये वगैरह बना था। तो वही बात है कि अगर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको रीजनरेट होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और देखा जाए तो उस टाइम की वजह से ही हमारा जो साइकिल है वो आगे चलता रहता है, बट आजकल हो क्या रहा है रीजनरेट है वो तो हो रहा है धीरे, और हम जो यूज़ है वो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो बात करें अर्थ है वो जितने रिसोर्सेज जनरेट कर रही है वो हम 8 महीने में कंज्यूम कर रहे हैं, 1 साल के अंदर ये मान लो कि अर्थ है वो 100 किलो अनाज प्रोड्यूस कर रही है, उस अनाज को हम 8 महीने में ख़त्म कर रहे हैं, बाकी जो 4 महीने बचते हैं उसमें हम अर्थ को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब अर्थ के अंदर से एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकालते हैं जो कि कहीं ना कहीं अर्थ को एक तरीके से नुकसान पहुँचाने वाली बात है। तो इसीलिए
साल और सूट डे वो मनाया जाता है कि भाई अर्थ का उस दिन लिमिट खत्म हो गई, मतलब उस दिन हमने रीजनरेट करने की जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई है। तो 1 अगस्त तक हमारी जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में आगे जो भी हम कंजप्शन करने वाले हैं इस साल 1 अगस्त से लेकर बात करें हम 31 दिसंबर तक, उसका मतलब है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अर्थ से एक्सप्लोइट कर रहे हैं, वो रीजनरेट नहीं होने वाले हैं, उनको हम केवल एक्सप्लोइट कर रहे हैं, वो वापस से जनरेट नहीं हो सकते क्योंकि हम उनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन हमारा ज़्यादा है और जो सप्लाई वाली है अर्थ की द्वारा वो धीरे हो रही है। तो मतलब हमें क्या होगा, हमें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बोझ है वो कम करना होगा, हमें उनका कंजप्शन है वो करना होगा बेसिकली। तो इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमारी अर्थ के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो तेजी से खत्म होते हुए जा रहे हैं। 1970 से बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था ग्लोबल फुटप्रिंट एक नेटवर्क है उसके द्वारा बेसिकली अर्थ और सूट डे वो स्टार्ट किया गया था। तो इस बार जो कैपेसिटी है वो 2 दिन कम हो गई है। तो अब आपको सीन समझ में आ गया होगा कि सीधा सीधा मतलब क्या है। जैसा मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई अर्थ की जो भी रिसोर्सेज जनरेट करते हैं ना वो हम 8 महीने में कंजप कर लेते हैं एक साल के, बाकी जो 4 महीने बच रहे हैं ना इस बार के वो हम अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब अर्थ के अंदर से जानबूझ के खींच खींच के निकाल रहे हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं है पर फिर भी हम उनका यूज है वो कर रहे हैं। सीधा सीधा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और हमारे नेचर के ऊपर हम एक्स्ट्रा बोझ है वो बढ़ाते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है FDI को लेके, FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स को लेके है। देखो बेसिकली जो 80 कैरमनी एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका का ग्लोबल मार्केट है उस फर्म है सॉरी उसके द्वारा बेसिकली ये जो FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो पब्लिश है वो किया गया है। ये इंडेक्स का मतलब भी सीधा सीधा यही है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे FDI काफ़ी सूटेबल है, मतलब डेस्टिनेशन को बताती है कि उस वाले एरिया में FDI में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, रैंकिंग प्रोवाइड वो करती है। तो इस बार का कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया की रैंकिंग है वो एक्चुअली इस बार है 2018 में वो 11वें नंबर पे आ गई है। 2017 में इंडिया की रैंकिंग थी वो थी ठीक ठाक, मतलब इंडिया था वो 8वें नंबर पे था, और 2016 के अंदर था इंडिया 9वें नंबर पे, बट इस साल इंडिया थोड़ा पीछे पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया है, क्योंकि देखो 2016 में आपको पता है कि GST और डीमोनेटाइजेशन आया था, 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया था और 2018 में तो GST आया, तो इसकी वजह से क्या है थोड़ा सिस्टम है वो लड़खड़ा गया है और उसकी वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी है थोड़ी स्लो डाउन पे आ गई थी, और इसकी वजह से जो FDI जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम हो रहा है। अब अगर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो मतलब हमें यहाँ पे थोड़े हमारी इकोनॉमी पे तनाव है, डिस्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि है क्या ये। महानदी रिवर के बारे में जो न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली है। रवांडा और युगांडा की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। युगांडा से जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेटर पास होती है, दोनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं। बात करी हमने कि युगांडा के अंदर तो वो हमने देखा लेक विक्टोरिया और लेक अल्बर्ट है, दोनों को हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।